मितुट धई है संत अंत लहेंगे मुकत फल पावेंगे भगवंत सत नाम श्री वाहे गुरु साहिब जे भुजंग प्रयात छंद पठे काग दंग देश देसंग व्यापारी कुरान के वेद विद्या विचारी पठे काग दंग देश देसंग व्यापारी कुरान के वेद विद्या विचारी जटी दंड मुंडी तपी ब्रह्मचारी सदी सर्वगी वेद विद्या विचारी हकारे सब देश देसंग नरे संग बुलाए सब मोन मानी सोबे संग जटादार जेते कहूं देख पईए बुलावे तिसे नाथ भाखे बुलइए फिरे सर्व देसंग नरे संग बुलावे मिले ना तिसे छत्र छौनी छिनावे पठे पत्र एक दिशा एक धावे जटी दंड मुंडी कहूं हाथ आवे रचो जग राजा चले सर्व जोगी जहां लो कोई बूढ़ बारोस बोगी कहां रंक राजा कहां नार होई रचो जग राजा चलियो सर्व कोई कहां रंक राजा कहां नार होई रचो जग राजा चलियो सर्व कोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तही प्रकाश मारा पयो पटना शहर विखे पाव लयो हेमकुंड तपस्वी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस पावन स्थान ते अवतार तारिया। अवतार तारन तो बाद सतगुरु जी महाराज जी जदो पंजाब नू जान लगे नगर निवासी संगता नू पता लग्या बेनती की सतगुरु जी महाराज जी आप जी पंजाब नू जा रहे हो साडा नियम बन चुकिया है आप जी दा दर्शन करके ही असी अन जल छकदे हां कृपा करो सानू इत्थे ही दर्शन दीदार बख्शो। सतगुरु जी महाराज जी संगता नू तीरे दिंदिया होया फुरमाया कि असी बाल वस्ताए पुंगूरा साहिब ते विराजमान हो रहा हां अते अपने सारे गात्रे दा शस्त्र छड़ के जा रहा हां जो श्रद्धा भावना दे नाल साडे शस्त्रां दे दर्शन करेगा उना नू साडे दर्शना दे प्रतख फल प्राप्त होवेगा। आखो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फेर आखो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इहन बाल वस्ता दे शस्त्र आओ आप दर्शन करिए। बोले सो निहाल है साहिब सतगुरु जी गात्रे तारन करिया कर दे सन है दो चक्कर दुमाले उते दस्तार उते सजाया कर दे सन है चक्री दुमाले दे हेठां
केसा दे जूरे विच सजाया कर दे सन। ई है खंडा दुमाले उते दस्तार उते सामने सजाया कर दे सन। ई है चंदन दा कंगा एदे नाल सतगुर जी के साफ करया कर दे सन। ई है खंजर एदा दूजा नाम बाग नखी है सतगुर जी कमर कसे विच सजाया कर दे सन। ई है कटार सतगुर जी दा कमर कसे दा शस्त्र है। ई है मिट्टी दा गुलेला एदे नाल सतगुर जी बाल वस्ता विच चोज करया कर दे सन। सामने माता जी दा खूह है नगर निवासी बीबियां उस खूत जल भर के अपने घरां नूं वापस जांदियां। सतगुर जी महाराज जी गुलेले मार के उन्हां दे घरे तोड़ देंदे हन। बीबियां ने माता जी को जाके बेनती की थी, माता जी असी गरीब परिवार हां, लाल जी साडे गुलेले मार के घरा तोड़ देंदे हन। माता जी कहन लगे तुसी लोहे तामे पीतल दे घरा ले आओ, मिट्टी दे गुलेलियां दे नाल नहीं टुटनगे। बीबियां लोहे तामे पीतल दे घरा लियाउण लगियां। सतगुर जी महाराज जी लोहे दे चार तीर तैयार कर ले। कुछ समय बीतन दे बाद एक बीबी जल भर के जा रहे से, सतगुर जी ने मारिया तीर करा टूट गया। बीबी बह के रोन लगी। हवेली विच माता जी बाहर निकले वेख्या, लाल जी ओ रुंदी है तुसी हस रहे हो। हां माता जी असी कोई हासी मखौल नहीं कीता है, असी दो भला ही कीता है। एदे घरे विच जहरीला सप सी, असी सप नू मारिया है। माता जी संगतां दे नाल कोल जाके वेखिया, वाके ही तीर दे नुखी नाल सप रिनिया होया मरिया होया है। सारे संगतां दियां सिर श्रद्धा दे नाल चुक गए। माता जी ने बचन कीता, होवे ना खूह दा जल ही खारा हो जाए। माता जी दे मुख बचन निकलन दी देर सी, खूह दा जल खारा हो गया। नगर निवासी संगता ने बेनती कीती, माता जी इसी जल दे नाल साडे काम कार्य सर दे सन, किरपा करो बचन कर दो खूह दा जल मिठा हो जाए। माता जी ने कहा कि जो बचन होना सी हो गया, हां तुसा बेनती कीती है असी बचन कर दे हां के दूरो नेरो संगता इस पावन स्थान ते दर्शन दीदार करन वास्ते आउन गया, फिर खूह दा जल मिठा हो जाएगा। माता जी दे बचन 47 तो बाद पूरे होए, हुन खूह दा जल मिठा है। संगता अमृत रूप जान के चूले लेंदे हन। ਇਹ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ
श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे खरावन आओ आप दर्शन करिए। बोले सो निहार इहन श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे चरण कमल दे खराओं चंदन दे बने हुए हैं। बोले सो निहार इहां श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे चरण कमल दे खराओ हाथी दंदियां बनिया हुई हैं। ये है भगत कबीर जी दी खड्डी, एदे नाल भगत कबीर जी कपड़ा बुनिया करदे सन। कांसी विच एक माता जी कोल सी, उन्होंने तख्त साहिब ते भेट कर दीती, कबीर जी दी यादगार बनी रहे। अंदरी परिक्रमा करोगे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दा 15 साल अवस्था चोला साहिब है, शीशे विच जड़िया होया है। तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब तो अलावा होर भी गुरुद्वारे हैं। पहला गुरुद्वारा है गऊ घाट, दूजा गुरुद्वारा है कंगन घाट, तीजा गुरुद्वारा है बाल लीला, चौथा गुरुद्वारा है गुरु का बाग, पंजवा गुरुद्वारा है हांडी साहिब दानापुर, छेवा गुरुद्वारा है सोना टोली, अते सतवा गुरुद्वारा है शीतल कुंड राजगीर। इहां श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे हुकमनामे अते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे हुकमनामे हन। इहां श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे हुकमनामे इहां श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे हुकमनामे इसी तरह होर भी हुकमनामे हन। हुन करा प्रसादी देग बरत रही है बिलावल दी चौंकी, होइया भुलां गलतियां देखी मां, फतेह बुलाइए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। हे गुरु में हर पाबो
ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨ बराबर तपे पितर बग का ती परमत नानक हुकम पछाने सुख होवे दिन राती से संजोग करो मेरे प्यारे 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 जित रसना हरे नाम उचारे जित रसना हर नाम उचारे से संजोग करो मेरे प्यारे से संजोग करो मेरे प्यारे रसना हर नाम उचारे से संजोग करो मेरे प्यारे से संजोग करो मेरे प्यारे सुन बिनती प्रभु दीन दयाला सुन बिनती प्रभु दीन दयाला सात गब है पुरन गोपाला योग करो मेरे प्यार
ज्ञान रूप सिमरन प्रभ तेरा जीवन जीवन Yeah.